हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोजरमन रिडक्शन के बारे में और इसको कंप्लीट करेंगे एक सॉन्ग ट्रिक्स के साथ। तो देखिए सॉन्ग ट्रिक्स क्या है। जस मलक साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जस मलक एक पंजाबी सिंगर है, वो क्या बोलते हैं, बनके तुसी बटरफ्लाई। ठीक है, ये सॉन्ग तो सुना ही होंगे, पंजाबी गाना कि बनके दूसरी बटरफ्लाई। तो कैसे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो जस मलक साहब बोलते हैं रोज देखे, क्या देखे बोलते हैं, रोज देखे बोलते हैं बनके दूसरी बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं, बनके दूसरी बटरफ्लाई, जहां बनके का मतलब होता है बेंजोनाइल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, रोजरमन रिडक्शन में जस मलक जी बोलते हैं रोज देखे बनके तुसी बटरफ्लाई। बनके का मतलब होता है बेंजोनाइल क्लोराइड, तो इसको हम लिखते हैं, ये हो गया मेरा बेंजोनाइल क्लोराइड, ये हो गया मेरा बेंजोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए रोज देखे क्या बोलते हैं, बनके तुसी बटरफ्लाई। बनके का मतलब होता है बेंजोनाइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ रोज दे दिया लेकिन रिडक्शन बाकी है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, जो क्लास हम लोग 11th में पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंजोनाइल क्लोराइड को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे, या फिर बोल सकते हैं बेंजोनाइल क्लोराइड को रिडक्शन करा रहे। क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो जब बेंजोनाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्लेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, किसके सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम, ये H2 का एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के पास चला जाता है। किनके पास चला जाता है, क्लोरीन के पास, और बन जाता है HCl। क्या बन जाता है, एक बहुत ही खतरनाक सा एसिड बन जाता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो कैसे बनता है ये, कि एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर यहां आ जाते हैं और बन जाता है HCl। अब बताइए यहां से जब क्लोरीन और हाइड्रोजन एक घट जाएंगे तो HCl बना। अब इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और इनके पास एक खाली जगह बचा हुआ है, तो वो खाली जगह में हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, और बन जाता है बेंजल डिहाइड। क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड। तो क्या है ट्रिक्स, रोजरमन रिडक्शन, जिसमें पता चलता है रोज देके बोलते हैं जस मलक साहब बनके तुसी बटरफ्लाई। बनके का मतलब होता है बेंजोनाइल क्लोराइड, हमने लिखा, फिर उसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए। क्यों कराए, क्योंकि यहाँ रिडक्शन लिखा हुआ है और रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ एडिंग किए हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम और वेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तब क्या पता चला कि यहाँ का एक क्लोरीन एटम HCl के पास चला जाता है, मतलब हाइड्रोजन के पास चला जाता है और HCl बनता है। ठीक है, तो HCl बाहर निकल गया, अब बचा क्या हमारा, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा और ये खाली जगह बचा, तो ये हाइड्रोजन इनके पास चले आते हैं और H जुड़ जाते हैं, तो बनता है बेंजल डिहाइड, जहां बटरफ्लाई का मतलब होता है बेंजल डिहाइड। क्या होता है, बेंजल डी। तो इसमें हम लोग कंप्लीट किए रोजरमन रिडक्शन को कौन से सॉन्ग के साथ, बनके तुसी बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस रिएक्शन का चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट में बताइए कि हमको इस रिएक्शन का वीडियो चाहिए विद इन 24 आवर, 24 घंटा के अंदर मैं आपको वो रिएक्शन का वीडियो वो भी सॉन्ग ट्रिक्स के साथ अपलोड करूँ।